हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी मालपुआ। बहुत टेस्टी बनता है ये, आप किसी भी फेस्टिवल पे बना के खा सकते हैं इसको। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। गैस ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। दूध में उबाल आने देंगे, दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आने लग गया है, गैस को मीडियम पे कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे जो साइडों में मलाई इकट्ठी होगी उसको खुरच खुरच कर इकट्ठा करके दूध में डालते जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे साइडों में मलाई जमने लग गई है, इसको ऐसे खुरचते हुए दूध में डालते जाएंगे। फिर से दूध में उबाल आने देंगे, थोड़ी देर दूध को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। जब साइडों में मलाई जमने लगेगी तो खुरच कर दूध में डाल देंगे। ऐसा ही प्रोसेस हमें लगातार करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी रबड़ी बनी है, लच्छेदार। इस रबड़ी में से आधे से ज़्यादा हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आधा से थोड़ा ज़्यादा रबड़ी मैंने अलग रख लिया है। इस वाले रबड़ी में 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को घुलने देंगे, साइडों से इकट्ठा करके मिक्स कर लेंगे। इसमें रबड़ी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है, गैस को ऑफ कर लेंगे। फिर इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। ये हम सर्व करने के लिए यूज़ करेंगे। जो रबड़ी हमने बाउल में निकाला था ले लिया है मैंने 1/2 कप मैदा। मैदा को बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर ज़रूरत होगा तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। 3 बड़े चम्मच इतना दूध ले लिया है, ऐड कर लेंगे। मालपुआ बनाने के लिए घोल को अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए घोल में, बिल्कुल स्मूथ घोल होना चाहिए। मालपुआ के घोल को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है, ठीक ठीक होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल स्मूथ हो गया है घोल। मालपुआ के घोल को 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ढक के। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, मालपुआ के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप चीनी ऐड कर लेंगे, गैस अभी ऑन नहीं किया है। 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे, गैस ऑन करेंगे। 2 छोटी इलायची हल्का सा कूट के डाल लेंगे। 8 से 10 धागे केसर के, ये ऑप्शनल है, आसानी से अवेलेबल हो तो डालें नहीं तो स्किप कर दीजिए। चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है। चाशनी हमें किसी तार की नहीं बनानी है, हल्की सी गाढ़ी और चिपचिपी होनी चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे चाशनी को 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, गैस से उतार के एक साइड में रख लेंगे। मालपुआ फ्राई करने के लिए दूसरा पैन लिया है, पैन को गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल या घी जो भी सुविधा से अवेलेबल हो। ऑयल को मीडियम गरम करेंगे, ऑयल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक लिया है, डिप करके देखेंगे। हल्का हल्का सा बबल्स उठ रहा है। गैस को अब हम मीडियम पे कर लेंगे। एक मीडियम साइज का कलछी ले लिया है, घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मालपुआ का साइज आपको जितना छोटा या बड़ा रखना हो ऑयल में उसी के अकॉर्डिंग घोल डालें। मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ। मालपुआ को एक साइड से अच्छी तरह फ्राई होने देंगे, फिर पलटेंगे। मैंने छोटा पैन लिया है, अगर आप बड़ा पैन यूज़ कर रहे हो तो एक बार में 2 से 3 मालपुआ आसानी से फ्राई कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मालपुआ ऑयल के ऊपर अपने आप ही तैरने लग गया है। इसको थोड़ा सा हिला डुला देंगे। एक साइड से मालपुआ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसको बिल्कुल आराम से पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। छन्नी से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि मालपुआ अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। दूसरे साइड से भी पलट के देख लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो चुका है दोनों तरफ से, निकाल कर छन्नी में रख लेंगे। थोड़ा सा मालपुआ को ऐसे प्रेस करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। फिर से घोल रखेंगे गर्म ऑयल में, और जैसे हमने पहले फ्राई किया था बिल्कुल सेम तरीके से सारे घोल से एक एक करके मालपुआ फ्राई कर लेंगे। सारे मालपुए मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब इसे हमें चाशनी में डिप करना है।
चाशनी ले लिया है मैंने। जब चाशनी में डिप करना हो तो चाशनी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। डिप करेंगे मालपुआ को, एक एक दो दो करके चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी में बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं रखना है, 1.5 से 2 मिनट रखेंगे, फिर चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं चाशनी से बाहर, अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया है मालपुआ ने। बाकी के मालपुआ भी चाशनी में डिप कर लेंगे और 2 मिनट छोड़ देंगे चाशनी में। सेकेंड बैच का मालपुआ भी चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, निकाल लेंगे बाहर। एक प्लेट में रख लिया है मालपुआ को, ऊपर से चाशनी रख लेंगे, तैयार की हुई रबड़ी रख लेंगे ऊपर से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बारीक कटा पिस्ता ले लिया है गार्निशिंग के लिए। आप देख पा रहे होंगे हमारा रबड़ी मालपुआ बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी इस तरीके से किसी भी फेस्टिवल पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए रबड़ी मालपुआ। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।